তো মাথা ঘোরাচ্ছে পৃথিবী তৈরির রহস্যটা আসলে রহস্যময় কোনদিন এলিয়েনের ব্যাপারগুলো সত্য হয়ে যাবে হ্যাঁ ওখানে স্বাগতম সবাইকে ভিডিওরিয়েশনে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরো একটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য আর আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যে ভিডিওটি দেখব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে দ্য বিগ ব্যাং দ্য বিগেস্ট থিওরি ইন সায়েন্স তো বুঝতেই পারছেন আমরা আসলে বিগ ব্যাং থিওরি মানে হচ্ছে পৃথিবী আবিষ্কারের কাহিনী এটার উপরেই হয়তোবা আমরা ভিডিওটি দেখব আবিষ্কারের কাহিনী না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা থাকবে এই ভিডিওটাতে তো সেই ব্যাখ্যা নিয়ে আমরা ভিডিওটা দেখব তারপর আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল ফ্যাক্ট টেক জেড থেকে তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি আমার দুনিয়া কিতনি খুবসুরত হ্যায় হ্যায় না পর ইস দুনিয়া মে সব আপনি রোজ কি জিন্দগি মে বিজি রহতে হ্যায় পর ক্যা আপনে কভি সোচা হ্যায় কি ইয়ে ব্রহ্মাণ্ড জিসমে আপ ইতনে সালো সে রহ রহে হো ইসকি শুরুয়াত কাইসে হুই जितनी घटनाएं हुई है उसकी शुरुआत कहां से हुई वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है ये ब्रह्मांड हर एक सेकंड साइज में बढ़ता जा रहा है तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कुछ ज्यादा ही पीछे पीछे चलो অনেক পিছে চলে গেছে ও পৃথিবী ব্যানি আজ से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है सब इसमें मौजूद है इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया एक सेकंड के करोड़वे हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो ये सब ऊर्जा है प्योर एनर्जी ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में जिसे हम एटम कहते हैं क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी आधी थी मैटर मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है जिससे आप बने हो और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर जो मैटर का ऑपोजिट है और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके इसलिए उसका विस्फोट हो गया जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते
सामने आते थे उस जगह का तापमान लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता। लाखों डिग्री कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्रीज तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ, इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे, वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम की बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो माथा घोरा छे আমার কাছে মনে হচ্ছে রহস্যটা আসলে রহস্যময়।
হ্যাঁ, পৃথিবী এত সহজে তৈরি হয়নি, আর বিগ ব্যাং থিওরি হচ্ছে এটার একটা সমাধান। অ্যাকচুয়ালি অনেকে আরো প্র্যাকটিক্যাল কতটুকু কি এটা আসলে বলা যায় এরকম আরও অনেকেই এই ধরনের থিওরি দিয়েছে যে পৃথিবী এইভাবে তৈরি হয়েছে, কেউ বলেছে অন্যভাবে তৈরি হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি বিগ ব্যাং থিওরির ব্যাখ্যাটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেওয়া হয়েছে, তো এই ব্যাখ্যা শুনে আমার মাথা আসলে একটু ঝিম ধরে গিয়েছে। বাট ওভারঅল ভিডিওটা সুন্দর ছিল, ইনফরমেটিভ ছিল, কেননা পৃথিবী তৈরির ইতিহাস আসলে এরকম লক্ষ কোটি বছরের পুরনো ইতিহাস, এবং পৃথিবী তৈরি হওয়ার পর পৃথিবী অনেক উত্তপ্ত ছিল, তারপর অনেক বছর পর ঠান্ডা হয়েছে, এবং পৃথিবীর মাঝখানের যে গোলক এখনও সেটা অনেক উত্তপ্ত, যেটা হচ্ছে আমরা আগ্নেয়গিরির লাভাতে দেখতে পাই। আগ্নেয়গিরির লাভা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল থেকে বের হতে থাকে। এইগুলো তো আসলে আমাদের বলা না, এগুলো অ্যাকচুয়ালি থিওরি, আপনারা নিশ্চয়ই এগুলো ব্যাপারে এক্সপার্ট না, সো যারা জানে তারা, আর যারা ভূতাত্ত্বিক বিদ তারাই হয়তো এইগুলো ইনফরমেশান তাদের জন্য অনেক বেশি কার্যকর। তো আমার কাছে ওভারঅল ভিডিও মেকিংটা সুন্দর ছিল, তার ভয়েস, ভিডিওতে গ্রাফিক্স ছিল প্রচুর, গ্রাফিক্সগুলো অনেক সুন্দর ছিল, এবং গ্রাফিক্সগুলো কিন্তু সেই প্ল্যাটফর্মেই করা, যে প্ল্যাটফর্মে বোঝা যাবে যে পৃথিবীর বাহিরের অবস্থাটা কেমন দেখাচ্ছে সেই রকমভাবে। ওভারঅল ইনফরমেশনও ভালো লেগেছে, কারণ যেভাবে সে প্রেজেন্টেশনটা করেছে, এবং গ্রহগুলোর নামগুলো কিন্তু সে বাংলা নামের সঙ্গে, সংস্কৃত বাংলা যেটাই বলো, এটার নামের সঙ্গে যে ইংলিশ নামটা আছে সেটাও কিন্তু সে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে, এবং যে গ্রহপথ কক্ষপথগুলো সে বললো এবং তারার উৎপত্তি, এগুলো আসলে চমৎকার ছিল। তারার উৎপত্তি যে জিনিসটা বুঝল, তারা হচ্ছে সূর্য, আমাদের যেখানে এখানে যেমন সূর্য, এরকম আরও গ্যালাক্সিতে এবং আরও সৌরজগতের মতো আরও জগৎ আছে, সেইখানে যে সমস্ত সূর্য আছে সেগুলোই হচ্ছে আসলে এক একটা তারা। এবং এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে এগুলার বাহিরে, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে যদি এরকম সূর্য একটা একটা গ্রহই থাকে, মানে কক্ষপথ থাকে, এখানে সূর্য আছে আরও আমরা এতগুলো প্ল্যানেট আছি, তো সাথে এরকম হয়তো যদি আরও ইউনিভার্সে যদি আরও অনেক গ্যালাক্সি থাকে এবং আরও কক্ষপথ থাকে, আরও সূর্য থাকে, নিশ্চয়ই সেখানে কোনো পৃথিবী আছে। হ্যাঁ অবশ্যই, সেখানে আরেকটা পৃথিবী থাকতেই পারে। হ্যাঁ, আর আমার কাছে মনে হয় কোনো না কোনো দিন এলিয়েনের ব্যাপারগুলো সত্য হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখান থেকে অন্য ধরনের মানুষ আসবে, অথবা 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 এমনও হতে পারে আমাদের মতো মানুষই ওখানে আছে। হ্যাঁ, এটাও হতে পারে, আর কিছুই জানি না, এগুলো যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে, জানি না। তো সেটা ভবিষ্যতে আরও আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই আবিষ্কার করছে, আর অনেক কিছু তথ্য ইনফরমেশান আমাদেরকে দিচ্ছে, তো এটা শিক্ষণীয় ব্যাপার। যাই হোক, তাদের রিসার্চ চলতে থাকবে আর আমাদের ভিডিও চলতে থাকবে। সেটাই, আমরা এখন পর্যন্ত মঙ্গলে যেতে পারিনি, বেঁচে থাকতে যদি মঙ্গল গ্রহে যাওয়াটা দেখতে পারি তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে পরবর্তীতে আরও কোনো গ্রহে আমরা যেতে পারবো কি না। হ্যাঁ, যখন মানুষ সেই সমস্ত গ্রহতে পৌঁছাতে পারবে তখন আমরা ইনফরমেশনগুলো পাবো, মানে ক্লিয়ারলি পাবো, পাবো তো নিশ্চয়ই, বাট ক্লিয়ারলি পাবো। এখন যেমন মঙ্গল গ্রহে কিন্তু কিউরিয়াসিটি আছে, সে সেখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন নিচ্ছে দিচ্ছে, তো তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক পিকচারও পেয়েছি যেগুলো অনেক ক্লিয়ার, অনেক সুন্দর পিকচার ছিল, তো অনেক ইনফরমেশন আমরা জানতে পারছি। তো আশা করি মানুষ আরও বেশি, যারা বিজ্ঞানী তারা আরও বেশি রিসার্চ করবে এবং আরও বেশি ইনফরমেশন, আরও বেশি ইনফরমেশন দিবে সাধারণ জনগণের, আর মানুষের কিউরিয়াসিটি কখনো শেষ হবে না, তো আশা করি এই কিউরিয়াসিটি শেষ হবে না এবং তারা আরও কাজ করবে। তো আমার মনে হয় আজকের ভিডিওটি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করে কমেন্টস করে জানাবেন আমরা আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি।